हेलो बच्चों, आज हम अध्याय हमारा देश भारत के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत का भौगोलिक अर्थात भौतिक विभाजन पे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत भारत के भौगोलिक विभाजन से करते हैं। बच्चों, भौगोलिक आकृतियों के मामले में भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसे निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि आप इस मैप में देख सकते हैं। पहला हिमालय पर्वत अर्थात द हिमालयन रेंज, दूसरा उत्तर का मैदान द नॉर्दर्न प्लेन, तीसरा भारत का महामरुस्थल अर्थात इंडियन डेजर्ट, चौथा दक्कन का पठार डेक्कन प्लेट्यू, पांचवा पूर्वी तथा पश्चिमी घाट अर्थात वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हैं और शुरुआत करते हैं हम हिमालय पर्वत से। बच्चों, हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। बच्चों, हिमालय पर्वतमाला को उत्तर से दक्षिण तीन समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है वृहत हिमालय या हिमाद्री, दूसरा है मध्य हिमालय या हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सभी पे चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हुए हम वृहत हिमालय पे चर्चा करेंगे। बच्चों, यह हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी है, अर्थात यह पर्वत श्रेणी जो है सबसे उत्तर में स्थित है। बच्चों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। बच्चों, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, हिमालय के सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, मकालू जिसकी ऊंचाई 8481 मीटर है और धौलागिरी जिसकी ऊंचाई 8872 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन पे जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे मध्य हिमालय पे। बच्चों, यह श्रेणी वृहत हिमालय के दक्षिण में स्थित होती है। बच्चों, इस पर्वत श्रेणी में कई लोकप्रिय हिल स्टेशन हैं, जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी इत्यादि। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो यह 3600 मीटर से 4600 मीटर के बीच में होती है, जैसा कि आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि इस पर्वत श्रेणी में कौन कौन से हिल स्टेशन मौजूद हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे शिवालिक पे। बच्चों, यह हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है और अन्य दो श्रेणियों की तुलना में इस श्रेणी की ऊंचाई जो है थोड़ी कम है, जैसे कि इस श्रेणी की औसत ऊंचाई जो है 1000 मीटर ही है। बच्चों, यहाँ पे मिट्टी और कंकर के बने ऊंचे मैदान मिलते हैं जिन्हें हम दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हुए अब हम उत्तर के मैदान
मैदान अर्थात उत्तरी मैदान पे चर्चा करते हैं। बच्चों, हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। इन मैदानों का निर्माण जो है मुख्य रूप से सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए मलबे से होता है। इस मैदान का निर्माण जो है जलोढ़ मृदा से हुआ है। बच्चों, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। बच्चों, इस क्षेत्र की जमीन जो है अत्यंत उपजाऊ है, अतः यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त वातावरण है। साथ ही साथ यहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा भी उपलब्ध है। बच्चों, इसीलिए इस क्षेत्र में जो है सघन आबादी मिलती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे दक्कन का पठार अर्थात प्रायद्वीपीय पठार पे। बच्चों, ये पठार जो है उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है और इसका आकार जो है त्रिभुज जैसा दिखता है। बच्चों, इस क्षेत्र में कई पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां हैं, जैसे कि अरावली, विंध्य और सतपुरा की पहाड़ियां। इन श्रृंखलाओं के मध्य से होके नर्मदा तथा तापी नदी जो है बहती है। बच्चों, प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पे पश्चिमी घाट है, जिसका विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी तक है और पूर्वी घाट का जो विस्तार है महानदी घाटी से लेके दक्षिण में नीलगिरी तक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं दक्कन का पठार अर्थात प्रायद्वीपीय पठार पे। बच्चों, पूर्वी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो है 600 मीटर जबकि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर के बीच में है। बच्चों, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जो है वो है अनाई मुंडी। बच्चों, डोडा बेटा नीलगिरी का जो है सबसे ऊंची चोटी है और दक्कन के पठार में खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये चित्र डोडा बेटा का है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे भारत का महामरुस्थल पे। तो बच्चों, ये मरुस्थल जो है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे थार मरुस्थल भी कहते हैं। यहाँ का जो वातावरण शुष्क और उष्ण होता है और जगह जो है रेतों से भरी पड़ी होती है। बच्चों, इस क्षेत्र में प्रति वर्ष वर्षा जो है 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है और इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी जो है वो है लूनी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हुए अब हम भारत के तटीय मैदान पे चर्चा करेंगे। बच्चों, ये मैदान पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में स्थित है, जो कि आप मानचित्र में देख सकते हैं। बच्चों, पश्चिमी तटीय मैदान जो है काफी संकरा है जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है काफी चौड़ा है। इस क्षेत्र में महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नामक नदियां बहती हैं और ये नदियां जो है पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बच्चों, इस क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
और अपनी चर्चा भारत के भौगोलिक विभाजन को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे द्वीप समूह पे। बच्चों, भारत में दो द्वीप हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है तथा केरल तट से कुछ दूरी पे स्थित है। यह प्रवाल द्वीप है जहाँ पे कुल 25 द्वीप हैं। वहीं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे द्वीपों की कुल संख्या 223 है। बच्चों, अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है जहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन स्थित है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने भारत के भौगोलिक विभाजन पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस रहा भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।